11:43 होने जा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी क्लास है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की, और क्या कर रहे थे हम लोग, चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा खत्म होने लगा है, चैप्टर 7 ही है ना, ठीक है, चैप्टर 7 भी हमारा खत्म होने लगा है। इसमें मैंने जितना काम करवाया सिर्फ उतना ही करना है। अभी आप देख रहे हैं मैंने एमईसी का ग्राफ करवा दिया था, मैंने इन्वेस्टमेंट का ग्राफ करवा दिया था विद रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट, मैंने ये वाले ग्राफ्स नहीं करवाए, ये वाले, ठीक है, ये अभी नहीं करने है, इसको भी स्किप करना है, अभी इन ग्राफ्स को नहीं करना हम लोगों ने, ये वाला ग्राफ हो गया, उसके बाद ये वाला ग्राफ हो गया, इसको फिलहाल नहीं करना, इन ग्राफ्स को नहीं करना फिलहाल, इनको करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं, पहले चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाएगा मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर वाला, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको करेंगे, फिर वापस से मैं आपको चैप्टर नंबर 7 और 6 पर लेके जाऊंगा। 6 के भी मैंने स्किप करवाया है ना, ठीक है, पहले ये हो जाए वो वाले, फिर मैं आपको यहाँ पे 6 पे और 7 पे लेके आऊंगा, एक लेक्चर में ये सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि तब ये आपको आसानी से समझ में आ जाने हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन की समझ आ गई, इसमें कोई क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है देख लो, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। हम लोगों ने ये भी कर लिया था, मार्केट इंटरेस्ट रेट और मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो गया था, इसमें भी कोई इतराज नहीं है, घर जाके पढ़ा था, कोई क्वेश्चन, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन एमईसी स्केड्यूल, यही है कि एमईसी जो है वो शिफ्ट कब करती है, बल्कि एमईसी जो कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगी, इसको ऐसे याद रखो, एमईसी जो कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगी। और आज फिर ये हुआ कि आज ये लेक्चर को खत्म करते हैं और उसके बाद फिर कल क्लास नहीं है आप लोगों की, ठीक है, बाकी भी कोई टीचर नहीं क्लास दे रहे कल पीआरसी के, कौन अच्छा, क्योंकि मेरे तो क्लास का कल मूड था, सही है, और मेरी वैसे भी एमएफए की क्लास तो कल है, कैफ की क्लास तो है, वो तो मैं लूंगा, तो ठीक है फिर इसको फिर करेंगे नए चैप्टर को नए दिन में स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट थर्सडे। तो ऑनलाइन फिजिकल वालों अगर आप सुन रहे हो तो नेक्स्ट थर्सडे को सारी क्लास यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, 90% हमारी क्लास वाइब है, वो सिर्फ इसी लालच में कि यूट्यूब से देख लेंगे, देखना दुखना कोई नहीं है मुझे पता है, अगर देख रहे हो तो अच्छे खासे व्यूज आ जाने थे, तो वो कोई नहीं देख रहे रहे, ठीक है ना, वो बस इंजॉय कर रहे हैं और बाद में फिर वो पेपरों के दिनों में मेरी जान खाएंगे। लास्ट डे पे नहीं समझ आती भाई इन चीजों की, सीए में आखिरी दिन कुछ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, सीए में शुरू दिन से ही दिन होता है, शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दो तो वो अक्यूमुलेट होते होते आपको एक यहाँ पे एक माइंड मैप बन जाता है, आपके बिल्डिंग बना देता है यहाँ पे, अगर एंडिंग पे जाके कुछ करोगे, उसने किया भी होगा एक दफा, उसको तजर्बा है इस चीज का, आपको आपको एएफसी का, तो वो तब हो जाएगा काम खराब, तो एंड कुछ नहीं है, शुरू ही है यहाँ पे। वही नहीं यार, वो तो देखो कचरा बना दिया हुआ है ना, आईकॉम बीकॉम अच्छी डिग्रीज हैं, लेकिन टीचर्स ने और इदारों ने मिलकर कचरा बना दिया उसको। पुराने वक्तों में जो अकाउंटेंट हुआ करते थे बीकॉमर होते थे, बीकॉम करते थे अच्छी खासी अकाउंटेंट की नौकरी मिल जाती थी, बैंकों में रखते ही बीकॉमर्स को थे, और अब देख लो को मुंह लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये गैस आ गए रटे आ गए, जहां पे गैस आएगा जहां पे रटा आएगा वहां पे बच्चा तबाह हो गया, वो एफएससी हो वो सीए हो वो एमबीबीएस हो वो ये कॉमर्स हो वो इंजीनियरिंग हो कुछ भी हो, और जहां पे कोई गैस नहीं है कोई रटा नहीं है वहां पे कॉम्पिटेंसी लेवल हाई होगा हमेशा, ठीक है, जैसे कैफ में जाओगे पता चल जाएगा आप लोगों को, कोई गैस नहीं होता पीआरसी में, कोई गैस नहीं होता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पेपर पास करोगे, रटे लगा लो फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है, आप रटे लगाते हो फेल हो जाते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप आराम से पास हो जाओगे। अभी I2B का रिजल्ट आया ना, ठीक है, उसका रिजल्ट मेरा 90% आया, पूरी क्लास में से 3 बच्चे फेल हुए हैं शायद, और कितने कितने नंबर से, एक बच्चा उड़ा 48 से, 2 नंबर छोड़ गए, एक बच्चा कह रहा था कि मैंने फ्लैग लगाए हुए थे और रेड फ्लैग लगा दिए थे, तो बाद में मैंने इसको रिमूव करके किया, उस वजह से उड़ा नहीं तो मेरे सारे मेरे काफी हद तक ठीक थे, वो पता नहीं होता है यार इसके अंदर, हाँ डाउट होता है उसमें, फ्लैग मार्क कर दो कि बाद में आप वापस आओगे वहां पे, वो हाई रेट हो जाता है, तो वो कहते हैं उसकी वजह से, बाकी मुझे रीजन समझ नहीं है, एक ने वैसे ही देना ही नहीं था पेपर, तो बस इस तरह हुआ, बाकी पूरी क्लास पास हो गई और अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी हमारे पास I2B के उसमें, तो वो क्या था, वो सिर्फ मैंने कौन सा किताब रटे लगवाए हुए थे, असाइनमेंट्स और सारा वर्ड टू वर्ड पढ़ाया हुआ था यहाँ कॉन्सेप्ट्स के साथ,
आपके क्लास में भी तो एक मोहतरमा है, उन्होंने पास कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली दफा आई टू भी पढ़ा उन्होंने। फिर इसी तरह कल जो बच्ची यहाँ पे बेचारी बैठी हुई थी, कल भी एक मोहतरमा बैठी हुई थी यहाँ पे, इकोनॉमिक्स उन्होंने 25 दिन में पढ़ के 20 दिन में पास किया। तो कॉन्सेप्ट ही है, लक भी हो सकती है। कितनी को लक होगी यार, अगर एक क्लास है 50 बच्चों की, उसमें क्या 47 की लक है? खुद देखो ना, लक एक दो की होती है, मेजोरिटी की लक नहीं होती। और तू फेल हो गया। हाँ ये लक कह सकते हो आप, लेकिन ये सबके साथ थोड़ी ना होता है, आप करके देखते हैं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं भाई हुआ, मेरी स्टूडेंट लक बड़ी गंदी रही है, जिस चीज की नई तैयारी की कभी पास नहीं हुए भाई, वो क्वेश्चन ही नहीं आता था मैं। सिंपल इज दैट, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। सर कोई झूठ भी बोलते हैं। हाँ पढ़ ले होते हैं, जान के लगे होते हैं, पढ़े नहीं था देख ले फिर पास, पढ़ता तो मैं क्या करता, हाँ तूने जान पे पहुंच जाना था तो पढ़ लेता। तो अक्सर ऐसे करते हैं, लड़कियों में ज्यादा होता है ये, फीमेल्स में ज्यादा होता है। अगर आप कोई सुन रहे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी है। मेरी कजिन है, उनके साथ ये बड़ा इशू रहा है। हर एक ना अपने डायनामिक्स होते हैं ना यहाँ पे, अपना दिमाग होता है। मेरा असूद रहा हुआ है, पेपर देने से पहले मैंने वीडियो देखनी है, कोई मूवी देखनी है, या गेम खेलनी है, या सोए रहना है। हाँ वो मेरा असूल है, किताब को हाथ हूथ नहीं लगाना, बस जो यहाँ पे है उसको लिखाना है जाके। जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, बड़े हो जाते हो, तो फिर आपको ये चीजें हर्ट नहीं करती हैं कि पढ़ना है ये करना है वो करना है, बट ठीक है, पढ़ा पढ़ा ना पढ़ा ना सही। समझ आई बात की? ये वाला सीन है, क्योंकि आपको पता होता है इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है या नहीं है। अब एक डिग्री उसका मेरा एक पेपर रहता, मैं दे ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली कभी करना ही नहीं है, उस पेपर को, उस सब्जेक्ट को कभी ना मैंने पढ़ाना है, ना मैंने खुद काम लेना है उससे कभी, तो मैं उसको कर ही नहीं रहा। अभी उम्मीद है कि अभी करके उसको पास कर लूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम किया था फेल हो गया था, बगैर पढ़े पेपर दिया था, बस ऐसे ही जाके पेपर देने की कोशिश की कि तुक्का लग जाए, लेकिन फिर भाई को एहसास हुआ मेरा तो लक है ही नहीं, बल्कि मेरे तुक्के नहीं लगते होते। तो आगे चलते हैं अभी। यार देखो इसका मुझे नहीं पता, ये आई कैप से फोन करके पूछ लीजिए या नीचे डिपार्टमेंट में उसमें हैक का। हाँ तो फिर वो आई कैप वाले भी पता होगा। हाँ तो फिर आप उनसे पूछ लें आई कैप को फोन करके, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। देर आर नंबर ऑफ रीजन दैट कुड कॉज दिस। तो यहाँ पे क्या रीजन है जिसकी वजह से एमईसी या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी? चेंज इन सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेशंस। अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाए कि भाई साहब हम कारोबार करेंगे नुकसान होगा, क्यों? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अभी पैसा ना डालनी, अभी इमरान खान को उतार दिए, शहबाज शरीफ आएगा पता नहीं क्या करेगा, IMF ने लोन देना नहीं देना, अभी पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का, तो भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर इस किस्म का होगा तो MEC क्या हो जाएगी? अंडर वैल्यूड हो जाएगी और वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? और अगर लोगों को अन्य वाह पैसा पाई जो पाई नोट छापांगे, अगर ये वाले सेंटिमेंट हो गए तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसा कि जैसे शहबाज शरीफ ने टेक ओवर किया था गवर्नमेंट को, तो DGISPR ने कहा था ना कि जैसी नई हुकूमत आई है स्टॉक मार्केट ऊपर गई है 700 पॉइंट्स, और उसके बाद डॉलर सस्ता हुआ 7 रुपए, 1400 पॉइंट स्टॉक मार्केट ऊपर गई है डॉलर 7 रुपए सस्ता हुआ, कहा था ना उसने, ठीक है, वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गए थे, तो तब MEC गया होगा राइट वर्ड, उसके बाद MEC लेफ्ट वर्ड जा रहा है। समझ आ गई बात की? फिर उसके बाद है चेंजेस इन वेज रेट्स। अगर वेज रेट ज्यादा हो गए तो लेफ्ट वेज रेट ज्यादा हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आपके मार्जिन कम हो जाएंगे, मार्जिन कम होने से MEC राइट या लेफ्ट? सही होगी ना बात? और अगर वेज रेट कम हो जाए, प्राइस मार्केट में वही रहे, वेज रेट कम हो जाए, कम हो जाएगी मार्जिन ज्यादा हो जाएंगे, तो MEC ये याद रखना। चेंजेस इन इनकम, फिर राइट वर्ड शिफ्ट होने के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे, आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है बढ़ जाए,
तो उससे भी एमईसी पॉजिटिव हो जाती है, उससे भी एमईसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होने से एमईसी पॉजिटिव होती है, क्योंकि पॉपुलेशन ने डिमांड करनी होती है ना, तो डिमांड करके उसने खाना पीना होता है, मौज करनी होती है। पर अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू कर दे, डिक्रीज करना शुरू कर दे, तो फिर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी उस लोकल मार्केट में। बस इसको इतना नहीं याद रखना है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, सॉरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अगर तो आपकी सोसाइटी में जो गुड्स की शॉर्टेज है, तो एमईसी क्या होगी? पॉजिटिव, राइट वर्ड शिफ्ट। और अगर गुड्स सरप्लस में है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। बस इसको ऐसे ऐसे याद रखना, इसको कोई इतना ज्यादा नहीं करना आप लोगों ने, रटे छटे नहीं लगाने। ऑनलाइन वालों आप भी सुन लीजिए। टैक्स रेट्स, अगर टैक्स रेट्स कम कर दिए जाए एमईसी राइट वर्ड, और अगर ज्यादा कर दिए जाए मुश्किल है, बच्चों वाला काम है। कॉन्सेप्ट शुरू में क्लियर हो गए ना चैप्टर 1-3 में, तो बस ये देखो आसान है। अगर वहां पे ना क्लियर होते, तो फिर यहां पे भी अजाब बनना था। उसके बाद गवर्नमेंट मींस टू इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट किस तरह लोगों को प्रवोक करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। गवर्नमेंट के पास कितनी किस्म के रास्ते होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल इंटरेस्ट रेट। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, तो लोग कल सिखाया था ना, लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, लोग बैंकों से अपने सेविंग निकलवा लेंगे, इंटरेस्ट सूद कम आ रहा है ना, तो प्रॉपर्टी में किसी और में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। समझ आ रही बात की? मुझे अच्छे से याद है, मेरी एज जरा काफी कम थी, समझने की हालत से कम ही थी, 2005 की बात है। मुशरफ आया, मुशरफ 2002 में आ गया था ना, एक में 1998 में आ गया था, तब अब बड़े छोटे होते थे, कोई आइडिया नहीं। 2005 में ना मुशरफ ने, चलो जब भी आया होगा, 2005 में मुशरफ, प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ा बढ़ना शुरू हो गई अचानक से। तो मेरा दोस्त कहता है, तुम्हें पता है प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों बढ़ी? क्योंकि मुशरफ ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी है। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, अब मैट्रिक में होते थे मेरे ख्याल है। कहता है भाजी, दोनों का ना डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट बैंक कटावेगा ना, ऐसे ही वो मुझे पंजाबी में समझा रहा था, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं कहा ये क्या बात हुई यार? कहता मुझे भी नहीं पता, मेरे अंकल बता रहे थे, उसके अंकल बैंक में काम करते थे। मैंने कहा सही है यार, ये कोई बड़ा कमाल का काम है। अब समझ आती है, हाँ ठीक है, ये भी होता है। तो ये भी वो चीज है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कहां पे होती है? सेफेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां पे टू इन्वेस्ट समथिंग? लैंड। तो गवर्नमेंट, तो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? नंबर टू, प्रोवाइड डायरेक्ट इंकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्ट टू इन्वेस्टिंग फर्म्स। गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई साहब, अगर आप आईटी कंपनी हो ना, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, पहले 10 साल आपको कोई टैक्स नहीं है, तो क्या आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे? करेंगे ना भाई साहब। अगर वो फलानी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, अगर वहां पे फैक्ट्री लगा लो, तो पहले 15 साल कोई टैक्स नहीं है। नॉन टैक्स जोन भी होते हैं, इंडस्ट्रियल जोन जिनको कहते हैं, तो वहां पे कोई टैक्स नहीं है, तो उससे भी क्या होगा, डायरेक्ट इंकरेजमेंट मिलती है। फ्रीलांसिंग पे भी ऐसा ही है। देखो पाकिस्तान का फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा जा रहा है, $3 बिलियन एनुअल हमारा आ गया, बेंचमार्क हम लोगों ने अचीव किया पाकिस्तानियों ने, हाँ बजाए हुए हैं फ्रीलांसिंग में, ऐसा ही है, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे फ्रीलांसर्स, अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे। सीक टू स्टिमुलेट बिजनेस कॉन्फिडेंस। अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर दें कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? वो सेफ कैसे हो सकती है? हमारा एक्सचेंज रेट कंट्रोल रहे, क्या रहे, डॉलर बहुत ऊपर या बहुत नीचे ना चला जाए, तब गोरा इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में आके, तब चाइनीज इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट को, डॉलर को कंट्रोल करना पड़ेगा उसकी प्राइस को, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिल सके, दम धमाके ना हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इमरान खान को या शहबाज शरीफ को उतारा ना जाए, सारे काम ठीक से चलते रहे, करप्शन कम होना शुरू हो जाए। तो ये डायरेक्ट एक इंडिकेटर होता है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कि वो आपकी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करे। चाइना में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाइना में इतनी फैक्ट्रीज क्यों है, हर बड़ी कंपनी का चाइना में आउटलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों है, क्योंकि वहां पर यही है, वहां पर पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस नहीं है, वहां पर जो उनका युआन है, युआन है या येन है, युआन, वो स्टेबल है, वहां पे कोई बम धमाके नहीं होते, कोई टेररिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है चाइना में, तो इस वजह से वहां पे लोग गीगा फैक्ट्रीज, मेगा फैक्ट्रीज लगाते हैं अपनी जाके। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद है जी इनकरेज, तो ऐसे नहीं होता कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए
हाँ ये है इसका, क्योंकि इनको वो लेनी पड़ती है, उससे वो सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है। चलो ये तो मैं नहीं कह सकता, देखो पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, यूट्यूब पे जाना है ये लेक्चर, मैं इसमें तो नहीं कह सकता, लेकिन उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है आर्मी से, क्योंकि पाकिस्तान में वाहद इदारा आर्मी है जो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है अच्छे वाली, नहीं तो सब इदारे बिक जाते हैं ना। तो बस ये वाला सीन है। एनकरेज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर गवर्नमेंट कहे कि भाई आप न्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, हम आपके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे, तो उससे भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, लोग न्यू टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे, जब इंपोर्ट करेंगे चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो क्वालिटी में बेटर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और उनको क्या एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ऐसा होगा या नहीं? इन्फ्लुएंसिंग वैल्यू, यार मतलब बिल्कुल बोर हो रहा हूं पढ़ाते हुए ये। इन्फ्लुएंसिंग वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन, अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, जब लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सप्लायर को सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगी, जब सप्लायर को सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। समझ आ रही बात की? आखिरी पॉइंट है जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा स्पेंड करे, रोड्स बना दे, इलेक्ट्रिसिटी के जो डैम्स वगैरह वो बना दे, ठीक है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर दे बिल्डिंग्स वगैरह को, डिपार्टमेंट्स बना दे अपने प्रॉपर, तो उसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है? नहीं होती। बात को गौर से समझो, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, हेल्थ के ऊपर, तो जो आपकी लोकल लेबर है, लेबर में पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों शामिल होते हैं, हमने पढ़ लिया था ना, ये एनरिच्ड होते हैं, ये तरक्की में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। सड़कें बनाने से कारोबार ज्यादा नहीं होगा, ये बात याद रखो, टेक्निकल एजुकेशन देने से कारोबार ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी लेबर क्या है, टेक्निकली एनरिच्ड है, आपकी लेबर के पास साउंड नॉलेज है किसी चीज को बनाने का, आपकी लेबर के पास वो टेक्निकल स्किल्स हैं जिनसे वो एक क्वालिफाइड प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर सकती है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग किन एरियाज में होनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स के साथ साथ किस में होनी चाहिए? एजुकेशन में और हेल्थ इंडस्ट्री में, ताकि आपके जो बच्चे हैं उनको वो एजुकेशन मिल सके जो यूरोपियन कंट्री में मिल रही है, ताकि वो इंटरनेशनल क्या कर सके, मुकाबला कर सके। आज मेरा बोर्ड यूज करने को दिल ही नहीं कर रहा यार, है ही नहीं है कुछ बोर्ड पे करने वाला। समझ आई बात की? इसे कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। प्राइवेट क्यों करेगा? प्राइवेट तो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है ना, वो तो ऑलरेडी मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपने मुझे ठेका दे दिया, पैसे तो मैंने आपसे ही लेने हैं ना, साथ साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं होगा कि पूरी सड़क बना दी 10 अरब की, फिर 10 अरब मिलेगा, ऐसे नहीं होता। साथ साथ किस्तें, नहीं नहीं साथ साथ किस्तें चलती हैं, कुछ एडवांस नहीं, साथ साथ इसकी इंस्टॉलमेंट चलती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी कंजम्पशन एंड सेविंग्स कैजुअल एंड नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। यार अब मैं क्या करवाऊं इसका, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा इसको करवाने को। मेरा बिल्कुल पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा, क्या पढ़े क्या पढ़े, मैं डिमोटिवेट हो गया हूं यार, है ना, पास चांस की वजह से। और ऐसे अब नहीं, कल फिर जरा 4-5 बच्चे ज्यादा थे, आज तो वो भी नहीं है। अच्छा हाँ, नाश्ते की वजह से बैठे रहे हो आप? नहीं, मुश्किल है वो क्लास के साथ करवाना है, मेरा दिल कर रहा है लेक्चर बंद ही कर दूं, यूट्यूब पे भी जा रहा है। थर्सडे वाले दिन इसको खत्म करेंगे यार। ऑनलाइन वाले मुझे माजरे दीजिए, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा पढ़ाने को, और मेरा एक बड़ा बुरा फिनोमेना एक मेरे साथ है, अगर मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं बिल्कुल भी पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं गलत मतलब पढ़ा दूंगा। मैं ये बड़ा आसान सा टॉपिक नंबर 4, लेकिन मेरा क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है और ना मेरा रिकॉर्डिंग करवाने को दिल कर रहा है इसको देखते हुए,
तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन, फिर मिलते हैं आपसे फिजिकल क्लास में। थर्सडे वाला लेक्चर मैं यूट्यूब पे नहीं जाने दूंगा, ये बात याद रखिएगा। तो क्लास में पहुंचिएगा, इसको पल्ले बांध दीजिएगा, थर्सडे को जो लेक्चर आएगा वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा। हाँ मैंने नहीं जाने देने थे, लेकिन भाई फिर बच्चों पे रहम आ गया मुझे, मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पे इसको जाने नहीं दे रहा था। देखो इसी वजह से स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ऑनलाइन वाले जो है उनको तो पोर्टल पे मिल रहे हैं लेक्चर, लेकिन ऑनलाइन वालों का नुकसान हो गया ना अब, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ाने को। तो इस वजह से थर्सडे वाले दिन एवरीवन शुड बी देयर, अदरवाइज ये लेक्चर थर्सडे को यूट्यूब पे नहीं जाएगा। बेशक कॉलेज की पॉलिसी हो या ना हो, मैं इसको नहीं जाने दूंगा, ठीक है? कॉलेज ने इतना मुझे इख्तियार दिया हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे थर्सडे को, तब इसको खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।